गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो छुआ मैंने आज आम गोटे नुआ चैप्टर टे आरंभ करवा नुआ चैप्टर इन द सेंस से मैथमेटिकल रीजनिंग रो सेकंड पार्टा एतिकी पर्यंत आमे मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग रो गोटे पार्ट पढ़ुले से पार्ट रो ना थिला डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग रे आमे माने पढ़िले कि केते प्रकार रो कनेक्टिव अच्छी कोटा प्रपोजिशन हेबो ना नहीं केते प्रकार रो क्वांटिफायर अच्छा गोटे स्टेटमेंट को केते बेले आमे मैथमेटिकली वैलिड कहिबा केते बेले नुहे एगुड़ा सब आमे पढ़ीथिले को सेक्शन रे डिडक्टिव रीजनिंग सेक्शन रे। तो आज आमे सेकेंड प्रकार रो रीजनिंग आरंभ करिबा आउ सेटा हला कोण इंडक्टिव रीजनिंग। एटा गुटे बहुत इंटरेस्टिंग इंडक्टिव रीजनिंग रु आमे गुटे नुआ प्रकार रो मेथड टे आमे बाहर कले सेही मेथड रो सहाय्य रे तमे गुटे नेचुरल नंबर पई जे कोनसी फार्मूला अछि ताकु आमे प्रूफ कर दे पारिबा। सेही फार्मूला को प्रूफ करिवार अन्य बाट मध्य थाई पारे किंतु एई मेथड रे सर्वसाधारण एटा गुटे मेथड माने एई मेथड रे जदि आमे जदि कोनसी मेथड को जगह रे काम करिवनी किंबा डिफिकल्ट हेबो एटा गुटे एक्स्ट्रा बाटो आम पाखरे अछि जहा सहाय्य रे कि आमे जे कोनसी नेचुरल नंबर को नै किना हां जदि आम पाखरे गुटे फार्मूला थिबो ताले आमे ताकु प्रूफ कर दे पारिबा राइट। आउ से मेथड रो ना हला छुआ मने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो इंडक्टिव रीजनिंग रे मु तुमको फास्ट बताई थी कि एठी कौन हुए आमर पास्ट हिस्ट्री टा जदि ट्रू हो जाऊची बहुत थर आम देखिले जे आम सहित तो गुटे घटना बारंबार हला कहिकि तो नेक्स्ट थर भी से जिनसटा ही हेबो कहिकि आम ताकु माने सेटा को गुटे कंक्लूजन टे आमे ड्रॉ करिबा। मन कर मु एई बुधवार दिन मटन खाइथिली नेक्स्ट बुधवार दिन भी मु मटन खाइ माने ये कह दियो गुटे मास हो गला जो चारिटा बुधवार थिला से चारटा जाक बुधवार रे मु मटन खाइथिली तो नेक्स्ट बुधवार दिन मध्य मु मटन खाइबी कहिकि एटारो गुटे आमे कंक्लूजन टे ड्रॉ करि पारिबा। एई जिनसटा हेबो कोन इंडक्टिव रीजनिंग। से गाई रो एग्जांपल मु जो तुमको कहूतली फास्ट थर मु केबे गाई देखी नथली फास्ट थर मु देखली जे गाईटा व्हाइट कलर रो थिला सेकंड थर मध्य मु देखली जे सेई गाईटा व्हाइट कलर रो थिला तीन नंबर थर भी मु देखली जे गाईटा व्हाइट कलर रो थिला ताले नेक्स्ट भी मो माइंड रे गुटे आसीबो जे ऑल काउज आर व्हाइट इन कलर राइट। इट मे बी ट्रू इट मे नॉट बी ट्रू दैट इज व्हाई इट इज अ प्रपोजिशन। ओके तो आम यस को बेस करना है गोटे मेथड टे आम बाहर कले कि जो मेथड रे आम नेचुरल नंबर रो सहाय्य रे जेतिकीटा भी आमर फर्मूला थिबो आम से फर्मूला को प्रूव करिबा। छुआ मैंने आज जोटा मु पढ़ेबापी जाऊँ दैट इज जनरल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। जनरल नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स माने जे कोनसी छुआ क्लास इलेवेन्थ ट्वेल्थ रे मैथमेटिक्स नहीं कि ना पढ़ुची से छुआर हाँ बेसिक नॉलेज जो आम जो बर्तमान पढ़ेबापी जाऊे तार एटा गोटे बेसिक नॉलेज हिसाब से रही कथा जमी तुम्हें जाच भारत राजधानी कौन ओडिशा रो कैपिटल हला भुवनेश्वर एगुड़ा सब तुम जनरल नॉलेज एक्जाक्टली यही जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टा भी गुटे जनरल नॉलेज हिसाब रे पढ़ो काहेकि आर सहाय्य टा आमे जे कोनसी चैप्टर रे नहीं पारिबा। आग को भी जेतेबेले क्लास ट्वेल्थ रे आमे पढ़िबा किछि गुडाको चैप्टर क्लास इलेवेन्थ रो भी आग को जो चैप्टर गुडाको पढ़िबा से सब चैप्टर गुड़िक आम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रो सहाय्य नेबा। ओके आउ इंटरेस्टिंग जिनस हला जे ए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रो उद्भावन केमती हला देखो जी एटा को बाहर करले से मैथमेटिशियन थरे गार्डन रे बसी थिले गोटे पार्क रे बसी थिले एमती
तो तुम्हें तो जाच छुआ मानक गोटे प्रकृति थाए कि से मैंने गोटे जिनस जदि घरे आणिक जाए ताले से मैंने भारी खुशी हूँ आंग मान देखापी भारी इच्छुक से मैंने था तो से मैंने कौन कला गोटे छुआटे मन कर मुझसे छुआपाई मानने से छुआर बापा तापाई ऑरेंज चॉक गोटे आनीदे एमती या गोटे खेलना से आनीदे तो सी चार्टा बेलू गला खेल आंग को देखला कौन देखला से कहला जे देख मो बापा मोपाई एटा आनी पकेले आर छुआटा को टिके ईर्षा हे ता बापा तापाई एमती आनी पकेले से कह तू मत यहाँ कौन देखे हो मो पाखरे एमतीका दुई दुईटा अच्छी तो ये छुआ कह तो पाखरे दुईटा अच्छी मो पाखरे तीन तीन टा अच्छी से कह तो पाखरे तीन टा अच्छी मो पाखरे चारिटा अच्छी तो पाखरे चारिटा अच्छी मो पाखरे पांचटा अच्छी ये कह तो पाखरे पांचटा अच्छी मो पाखरे छटा अच्छी एमती लगिले दुई जन जाक लास्ट को गोटे छुआ फ्रस्ट्रेट होकर कहला तो पाखरे जी अच्छी मो पाखरे ताठारु गुटे अधिक अच्छी मार्क द वर्ड्स तो पाखरे जेतिकी अच्छी मो पाखरे ताठारु गुटे अधिक अच्छी तो सही टू से मैथमेटिशियन बाहर ले माने भाबिले जे कि एटा तो होची 1 2 3 4 5 6 एमती करिके होची ता माने ये हैला गुटे नेचुरल नंबर विषय रे ए दुईटा छुआ माने कथा होचंती आ लास्ट को से छुआटा कहला जे तो पाखरे जेतिकी अच्छी मो पाखरे ताठारु गुटे अधिक अच्छी ता माने आमे जदी मानी नहीं चलिबा जे एन इज इक्वल टू वन पकेले गुटे फर्मूलाटा ठीक हो जाउची एन इज इक्वल टू टू पकेले गुटे फर्मूलाटा पुणी सही फर्मूलाटा भी ठीक हो जाउची थ्री पकेले भी ठीक हो जाउची फोर पकेले भी ठीक हो जाउची तो आमे कौन करिबा कि मानि नबा जे सेटा एन पाई ट्रू अच्छी आउ एन प्लस वन पाई भी ट्रू अच्छी कहीकि प्रमाण करदेबा मु आसीबी चिंता करनी तो जदि आम ये जिनसटा करदे पारे ताल आम कह से नेचुरल नंबरटा सरी से फर्मूलाटा जेकोसी नेचुरल नंबर पाई ट्रू अच्छी बोली आम कहीदे पार सो ये छुआ मान झगड़ गोटे बहुत इंटरेस्टिंग मेथडटे आरंभ है से मेथड रहा है छुआ मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन समस्ते लेख प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ओके फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन तो आम कह एक नंबर पॉइंट लेख इट इज ए जनरलाइज्ड मेथड इट इज ए जनरलाइज्ड मेथड फॉर किंबा यूज्ड फॉर प्रूविंग ए फॉर्मूला बेस्ड अपॉन किंबा बेस्ड ऑन नेचुरल नंबर्स राइट नेचुरल नंबर को व्यवहार करिकी जे कोनसी फॉर्मूला गुटे बाहरी थिबो सही फॉर्मूला को प्रमाण करिवा पई एटा गुटे सार्वजनिक मेथड माने सर्वसाधारण सब बेले एटा यूज हे परिवो जदि सही फॉर्मूलाटा होची गुटे नेचुरल नंबर को बेस करिकी ना अछि आमे देखिबा एठी प्रैक्टिस करले ही जाईकी हेबो माने गुटे क्वेश्चन जेमिति हेबो 100टा क्वेश्चन भी ठीक सही भलिया हेबो किंतु आमे जदि अलग अलग प्रकार रो क्वेश्चन करी करी का जीवा आमर ए मेथड टा को केमती व्यवहार करा जाए से आईडिया टा टिके क्लियर हे जीवो छुआ माने ओके मु आसीबी जेते बेले ठीक समय आसीबो आमे गुटे गुटे करी की धीरे धीरे करी की से एग्जांपल गुडा को जीवा
ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼େଇ ସାରିଛି, ତ ଯେତେଟା ଛୁଆ ହୁଏତ ତୁମେମାନେ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଥିବ, ତୁମେମାନେ ହୁଏତ କିଛି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଯେହେତୁ ଆମେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଗୋଟେରୁ ବହୁତ ଥର ଜାଣିଲେ କିଛି ହାନି ନାହିଁ, ଆହୁରି ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁଟା ବି ତୁମର ଛୋଟ ମୋଟ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଥିବ, ରାଇଟ୍। ଏବେ ଦେଖ ଛୁଆମାନେ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି କରନ୍ତି, କେମିତି ସଲ୍ଭ କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ତା ପାଇଁ ଛୁଆମାନେ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, କ୍ୟାପ୍। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ହେଲା। କେଉଁ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର୍ ଚେକ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା, ଚେକ୍ ଦ ଗିଭେନ୍ ଫର୍ମୁଲା, ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। ଓକେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ଆମକୁ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଇଟା ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପକେଇଲେ ଠିକ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଲି, ରାଇଟ୍, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଜ୍ୟୁମ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍। ମୁଁ ଆସୁଛି, ଏବେ ଖାଲି ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ଟେ, ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୁମେ ପୁରା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଝ କହିକି, ନହେଲେ ଏଇ ପାଠଟା କ'ଣ, ମୁଁ ତିନି ଚାରିଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଧରେଇଦେଲେ ତୁମେ ଧରି ପକେଇବ ସେ ଜିନିଷଟା, ତାପରେ ତୁମେ କରିଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ତାର ନିୟମ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଯିବା। ଓକେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପ୍ରୁଭ୍ ଦ ଫର୍ମୁଲା ଟୁ ବି ଟ୍ରୁ ଫର୍ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍। ତ ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ମେଥଡ଼ ହେଲା କ'ଣ, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତୁମେ ଏଇ ତିନିଟା କାମ କରିବ। କ'ଣ ତିନିଟା କାମ କରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ତୁମେ ଚେକ୍ କରିବ କି ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପଢ଼େଇଥିଲି କି ନାହିଁ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ର ମାନେ କ'ଣ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ର ମାନେ ହେଲା ଟ୍ରୁ, ହେଲା। ଯଦି ହେଉଛି ଆମେ ମାନିନେବା ଯେ ସେଇଟା ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରୁ ହେଉଛି କହିକି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝାଉଛି, ଦେଖ, ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ୱାନ୍ ପକାଅ, ଦେଖିଦିଅ କି ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଟୁ ପକାଅ, ତାପରେ ଥ୍ରୀ ପକାଅ, ତାପରେ ଫୋର୍ ପକାଅ, ଏମିତି ପକେଇ ପକେଇକା ଚାଲ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଯିବ, ଯଦି ନାହିଁ ତ ସେଇଟା ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କହିବା ଯେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରର ତ କିଛି ଏଣ୍ଡ ନାହିଁ, ୱାନ୍ଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି କି ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବରଟା କେତେ ବୋଲି। ତ ଆମେ ଯଦି ପକେଇ ପକେଇକା ଯିବା, ଆମେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ପୁରା 80 ବର୍ଷର ହେଇଯିବା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବାନି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଛୁଆର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟା ଆମକୁ କାମରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କହିଲା, ତୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପକେଇ ପକେଇକି ଦେଖିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପକେଇ ପକେଇକି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ ମାରିବା, ଆମେ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟୁ ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ମଝିରୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇବା।
କାହିଁକି ଆମେ ତ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ନା ଭାଇ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ଯେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଲ, ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଇଛି କହିକି, ହେଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ କରିଥିବ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଛଅ ସାତଟା ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବ, ମଝିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ପେଜ୍ ଲେଖିଦେଇଥିବ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଆଚ୍ଛା ହଁ ଇଏ ତ ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦୁଇ ତିନିଟା ଦେଖିକି ଯଦି ରଖିଦେବି ତ ମୋର ରିଜନିଂଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ତିନିଟା ପେଜ୍ ଦେଖିଲି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବି, ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବି, ଏମିତି କରିକି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ନା ନାହିଁ। ଓକେ, ସେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାଉ, ଆମକୁ ଗୁଟି ଗୁଟି କରିକି ସବୁ ତ ଚେକ୍ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ରାଇଟ୍। ମନେକର ତମେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଣିଲ, ଛୋଟ ଛୋଟ, ମନେକର କିଛି ଗୋଟେ ବଲ୍ କି କିଛି ଗୋଟେ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଲ୍ ଆଣିଲ, ଆଉ ତମେ 20,000 ବଲ୍ ଆଣିଲ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି 20,000 ଚେକ୍ କରିବି କି? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଦେଖିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବଲ୍ ପୁଣି ବାହାର କରିକି ଆଣି ପକେଇବି, ସିରିଏଲି ନ ଯାଇକି ଏମିତି 15 ବଲ୍ ଆରମ୍ଭ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ 25 ବଲ୍, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିବ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଯେକୌଣସି ବଲ୍ ବାଛୁଛି ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କହିକି ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣାଟେ ଆସିବ। ତ ସେମିତି ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଚେକ୍ କରିବାଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ତ ମଝିରେ ମୁଁ ମାନିନେବି। ଚାଲ ନା ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମେ ମାନିନେଲେ ଯେ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟ୍ରୁ ହେଉଛି କହିକି, ରାଇଟ୍। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଆର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ମାନିଥିଲେ ତାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିଲେ କି ଏମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ଆଉ ଥରେ, ଏମ୍ ପାଇଁ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଉଛି ତ ଏମ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ମାନି ନେଇପାରିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଯେକୌଣସି ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଯୁଗରୁ ଏଇଟା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା, କିମ୍ବା ଏଇଟା ଆମର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା କହିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ ମି ଶୋ ୟୁ ସମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ସ, କିଛି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ଲେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ୟୁଜିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ୟୁଜିଂ ୟୁଜିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍, ପ୍ରୁଭ୍ ଦାଟ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ଡଟ୍ 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 ଅପ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟୁ। ଏଇଟା ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି କହିକି? ଫାଷ୍ଟ ଏନ୍ ଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ବାହାର କରିବାର ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ ଫର୍ମୁଲାଟେ ଆସିଛି। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମୁଲା। ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫର୍ମୁଲା କି ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାର ସତ୍ୟତାଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାଟଟେ ଥିଲା, ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଟା ହେଉଛି ଆରିଥମେଟିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ୍, ଏପି। ଏପି ଜିପି ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଥିବ ସେମାନେ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଏପି ବାଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିଥିବ, ସେଟା ବହୁତ, ସେଟା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲାଟେ ଅଛି, ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇପାରିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଠିକ୍ ଅଛି କହିକି ଆମେ କୋଉ ବାଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଛୁଆମାନେ? ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ବାଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା
केमिति प्रमाण करा जाए हला। अच्छा तमें कौन करिबा देख ध्यान दे कि सुनो वर्तमान गुटेटा बुझीगले सब बुझी जीव देख तमें कौन करिबा कि जो भी क्वेश्चन दिया है थिबा से क्वेश्चन को गोटे प्रपोजिशन को दे दब तो आम कौन करिबा देख मु पूरा बतई दउची केमिति लिखिबा लेट P of N be a proposition such that 1 plus 2 plus 3 plus 4 dot 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 up to N is equal to N into N plus 1 divided by 2. जहाँ भी क्वेश्चन तुमको प्रूव करिबा को दिया है थी तुम्हें सही क्वेश्चन टाकु कहाँ को दे दबो गुटे प्रपोजिशन को दे दबो राइट अच्छा ए प्रपोजिशन रो लेफ्ट हैंड साइड टा हबो एटा एमति तुम्हें खाता रे एमति करनी मु केवल तुमको बुझेबा पई कहू छी एदे एटा हला सही प्रपोजिशन रो कोन लेफ्ट हैंड साइड आउ एटा हला सही प्रपोजिशन रो राइट हैंड साइड जेहेतु एटा गुटे फॉर्मूला तो ए फॉर्मूला रो कोण हेथबो दीटा साइड थिबो गुटे लेफ्ट हैंड साइड थिबो आ गुटे राइट हैंड साइड थिबो ओके वर्तमान ए प्रपोजिशन रो लेफ्ट हैंड साइड मते जदि तमे मु जदि तुमको कहबि छ माने पी एन रो लेफ्ट हैंड साइड ता केते हबो तो तमे कहबो पी एन रो लेफ्ट हैंड साइड ता हबो सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एन पर्यंत छुआ मैंने पी एन राइट हैंड साइड टा केते हम जब मुझे कहबी तो तुम्हें कह सर एन इंटू एन प्लस वन बै टू हम ठीक मु कौन करुची मु प्रमाण करने चाहूँ जिनसर मूल्यटा ए जिनसर मूल्य सहित सामान हम कि मु प्रमाण करने चाहूँ फर्मूलाटा सत कहीकि फर्मूलाटा भैलीड कहीकि मु को बाटर प्रमाण करुची इंडक्टिव रीजनिंग बाटर प्रमाण करुची को बाटर प्रमाण करुची प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बाटर प्रमाण करुची जे ए फॉर्मूलाटा करेक्ट अच्छी कोई की ए फॉर्मूला रो वैलिडिटी अच्छी कोई की मु प्रमाण करिबा को चेष्टा करुची ओके तो चलो केमिति करिबा नियम कहुची जे गोटे गोटे पके पके देखिबा एटी एन इक्वल्स टू 1 पई देखिबा 2 पई देखिबा 3 पई देखिबा 4 पई देखिबा एमते देखि देखि का चालिबा एटा नियम कहुची किंतु जदि आमे पके पके का देखिबा ए गोटे प्रॉब्लम भी आमे करि पारिबा नाही तो आमे सेति पई कोन करिबा मझी रे गोटे ब्रेक मारि दबा आ सेटा को नेकि पुनी ता नेक्स्ट पई प्रूफ कर दबा जदि हे जीवो ताले ए फॉर्मूलाटा वैलिड अछि नहले एटा वैलिड हबो नाही देखो मु कोन करू छी हां मु नै जेबी स्टेप 1 स्टेप 1 कैप ताकु मने पकाओ हां स्टेप 1 स्टेप 1 कोन हला टू चेक द फॉर्मूला फॉर n is equal to 1 step 1 हे गला हमको फर्स्ट चेक करिवार छी कि ए फार्मूला टा ठीक अछि कि नहीं n equals to 1 पई देखो मु केमिति करू छी हां मु चेक कर देबी p1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाहर कर देबी देखो मु n equals to 1 पकेबी ए प्रपोजिशन रे आउ देखिबी जे लेफ्ट हैंड साइड रे केते आसु छी तापरे पुणी एन इक्वल्स टू 1 पके भी राइट हैंड साइड रे आउ देखि भी जे आंसर केते आसुची दि जण कर आंसर टा जदि समान आसी जाए ताले मु कहि भी जे ए दुईटा माने एटा एन इक्वल्स टू 1 पई ए फार्मूला टा वैलिड अछि कहि के ओके देखो छ माने पी 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अच्छा एटी भी टिके बुझीबा एटा केते अछि छ माने एन अच्छी तमें से पैटर्न टाकु बुझिबा पई चेष्टा करो एटा अच्छी केते एन अच्छी तो ये जाय के सरे छे कोठी एन रे ये जदि एन अच्छी ताले ये जाय के सरे छे एन रे ये जदि 1 थांता किंबा 5 थांता ये जाय के सरे थांता कोठी 5 रे आउ थरे बुझो एठी जेहेतु एन अच्छी मोर फार्मूलाटा मिसी मिसी का सरे छे कोठी एन रे 5 थिले 5 रे सरी थांता 2 थिले
टू रे जाइकी सरी थांता वन थिले कोटी सरीबो वन रे जाइकी सरीबो ताले देखो P1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हे जीवो वन राइट ताले देखो एठी कोण होची एन पई जदि आमर फर्मूलाटा अच्छी तो ए फर्मूला रो लास्ट रे एन अच्छी ए जिंसटा टिके आमे देखिबा जदि एटा 1 पई थांता ताले एठी 1 जोठी अच्छी सेठी सरी जीवो मने करो जदि 2 पई थांता मते जदि जने कहि थांता सर P2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड केते हबो तो जोठी 2 आसी जीवे सेठी मु सरी जीवी माने P2 माने हबो 1+2 P3 जदि कहि थांता 1+2+3 हे थांता तमे कथाटा को एठी टिके बुझिबा पई चेष्टा करो एटा बुझी गले इजी हे जीवो n अच्छी माने n रे सरीबो 1 अच्छी माने 1 रे सरीबो 2 अच्छी माने 2 पर्यंत सरीबो 5 अच्छी माने 5 पर्यंत सरीबो ठीक अच्छी अच्छा तो p1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हे गला 1 काहे कि एठी 1 अच्छी माने 1 रे सरीबो p1 ऑन द राइट हैंड साइड देखिबा केते होउची तो राइट हैंड साइड केमती बाहर करिबा सही फार्मूला रे एन जगह रे 1 पके दबा तो केते हे जाउ छी छ माने देखो 1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जोटा की हे जाउ छी 2 डिवाइडेड बाय 2 2 2 कटि गला आंसर आसु छी केते रे 1 तो मु कोन देखु छी P1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड जति की आसु छी P1 ऑन द राइट हैंड साइड मध्य सेति की आसु छी तो मु कहबि जे P1 ऑन द LHS P1 ऑन द RHS राइट देयरफॉर P1 इज ट्रू P1 इज ट्रू माने ए फार्मूला टा n is equal to 1 पई ठीक हे जाउची ओके तमे चाहि थिले n equals to 2 पई भी पकेई की चेक करी पारि थांतो तमे चाहि थिले n equals to 3 पई भी पकेई की चेक करी पारि थांतो एटा तम उपरे किंतु अननेसेसरीली प्रॉब्लम ता टिके लंबा हबो कहि की आमे केवल 1 पई चेक करी दिए आउ तापरे छाडी दिए हला मने करो धरो आमर जानिबा पई खाली मु 2 पई चेक करिके बतौ छी देखो P2 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड केते हे थांत देखो 1+2+3 हे थांत कि नै P2 माने 2 रे जाइकी सरीबो तो केते हला 1+2 केते हला 3 हे गला एबे P2 राइट हैंड साइड रे माने एठी 2 पकेई दियो 2 into 2 plus 1 divided by 2 2 2 cancel 2 plus 1 जोटा की होची 3 तो तमें देखो ए फार्मूला टा n equals to 2 पकेले भी ठीक है जाउची इडा तमरो जानिबा पई प्रॉब्लम रे हमें आउ मिसई बानी ताकू केवल n equals to 1 पई चेक करी किना छाडी दबा नहले अननेसेसरीली हमरो प्रॉब्लम टा लंबा हे जीवो ओके मने करे हमरो जानिबा पई n equals to 3 पई हमें बाहर करिबा p3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड केते हेबो देखो 3 रे जाई की सरीबो तो 1+2+3 केते हे गला 6 हे गला p3 ऑन द राइट हैंड साइड देखो n बदला रे 3 पके दियो सेठी सो 3 into 3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2 जोटा हेबो 3 into 4 डिवाइडेड बाय 2 तो एटा हे जाउ छी केते 6 हे जाउ छी तो आमे देखिले जे ए फार्मूला टा n equals to 3 पई भी ठीक हे जाउ छी बुझी होछ ना म कथा एमते करी करी का जीवार अछि किंतु आमे गले हमरो पेज पेज सरी जीवो प्रॉब्लम टा अननेसेसरीली बहुत टाइम नै जीवो तो आमे कोन करिबा केवल सब प्रॉब्लम रे n equals to 1 पई चेक कर दबा आ देखि दबा जे एटा ठीक अछि कहि की ता परे आमे हमरो नेक्स्ट स्टेप को जीवा एज्यूम करिबा वाला स्टेप को जीवा ये हला स्टेप 1 जोटा की ठीक हे गला एबे देखो स्टेप नंबर 2 पाक को जीवा आमे हां तो स्टेप 2 टा कोन हबो स्टेप 2 टा को आमे ना देबा छ माने इंडक्शन स्टेप स्टेप 2